देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जिन राज्यों में पहले ज्यादा मामले आ रहे थे अब वहाँ केसेस कम हैं और लगातार वैक्सीनेशन भी चल रहा है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी लाने के लिए उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की गई है। इसी के साथ नोएडा यूपी का पहला शहर बन गया है जहाँ इस तरह की सुविधा शुरू की गई है। इस सुविधा का फायदा यही है कि आप कार में बैठे बैठे ही वैक्सीन लगवा सकते हैं। नोएडा में दो जगह ड्राइव इन वैक्सीनेशन की सुविधा शुरू की गई है, डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया और ग्रेटर नोएडा स्टेडियम में 17 मई यानी सोमवार से ये सुविधा शुरू हो जाएगी। ये सुविधा सिर्फ 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए ही है। पहले दिन इन दोनों सेंटर्स पर 200 लोगों को वैक्सीन लगने की उम्मीद है। यहाँ भी वैक्सीन लगवाने का वही प्रोसेस है, मतलब आपको पहले कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। अपॉइंटमेंट होने पर आप यहाँ जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। इन दोनों ही सेंटर पर वैक्सीन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक लगाई जाएगी। जैसे बाकी सेंटर्स पर वैक्सीन लगने के बाद आधा घंटा निगरानी होती है, वैसे यहाँ भी होगा। यहाँ वैक्सीन लगवाने के बाद आपको अपनी कार आधे घंटे यहीं रोकनी होगी। अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या होती है तो लाइट जलाकर आप सिग्नल दे सकते हैं। देश के कई हिस्सों में वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर खोले गए हैं। ऐसे सेंटर की अच्छी बात ये रहती है कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छी तरह से पालन होता है, साथ ही आप कार में बैठकर ही वैक्सीन लगवा सकते हैं।